दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी। हम लोग के पांडव जो है, हम लोग के पूर्वज हैं बिल्कुल पूरी तरह से। बट इंसान का ना सिर्फ वक्त आता है, इंसान का और कुछ नहीं आता। आग लगा दी ले जाके, मतलब तुम कुछ भी कर सकते थे, गड्ढा खोद के दबा देते यार। हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोल टू सोल विद सुनैना में। खुशी हो या गम, हमें सिर्फ चाहिए होता है सुकून, और आज हमारे बीच ऐसी ही आवाज़ है जो हमारे पांचों सेंसेस को ना सिर्फ सुकून दे, उन्हें रूहानी एहसास कराए। सो प्लीज़ लेट मी वेलकम माय अडोरेबल ज़ुबिन नौटियाल। हेलो, हाय सुनैना जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम होम। ये या आई थिंक आई एम हैप्पी। योर हार्ट, योर सोल इज ऑलवेज हियर, नो? इट इज सो योर होम, यू आर कैरिंग योर होम हियर, नो? या वेल सेड, आई थिंक because I have a very beautiful home. Yeah. So you miss your home. मैं यार बड़ा moment में रहने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत present, I'm very present here. तो ज़्यादा सोचता ही नहीं कि कल क्या करूँगा, ये भी baggage नहीं रखता कि कहाँ से मैं आ रहा हूँ। अभी मुझे लगता है magic जो होता है ना, in the moment ही होता है। True. उसके अलावा सिर्फ speculations है और experiences है। पीछे देखो तो experience मिलता, आगे देखो तो speculation है कि हाँ शायद ऐसा होना चाहिए। बट इंसान का ना सिर्फ वक्त आता है, इंसान का और कुछ नहीं आता। ये बात सच है। इंसान को कुछ भी नहीं आता, इंसान का सिर्फ वक्त आता है। और जब उसका वक्त आता है, उसको उस वक्त मेहनत करनी चाहिए दबा के, उसको उस वक्त मोमेंट में रहना चाहिए और अपने सामने जो भी उसका काम है उस पर पूरा 100% एफर्ट डालना चाहिए। एंड इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन मेकिंग मैजिक। एंड सो दिस ईयर इट विल बी अबाउट पुटिंग 200% इनटू एवरी सॉन्ग दैट आई वर्क। अभी मुझे हर तरह से सुन लिया है लोगों ने, हर जॉनर में भी सुन लिया है लोगों ने, अब क्या? तो इसका जवाब इस साल दिया जाएगा। हाँ, नाइस। और मैं सोच रही थी कि आप अपना एक फेसबुक पेज या ब्लॉग, दैट इज माय हम्बल सजेशन टू यू, ज़ुबिनियन, ज़ुबिनियन मिनियंस, इट्स अ वेरी क्यूट कार्टून व्हिच इज वेरी सिंपल और वेरी लविंग। सो मेरे को ऐसा लगा कि एक इट्स ज़ुबिन और इट्स ज़ुबिन, इट्स ज़ुबिन, ओके। But I don't mind. People call me Zubin, Zubin, Zubin. लोग कितनी बार बोलते से correct करना। I think meaning of your name is who touches the sky, Zubin. Zubin means an honest man. Honest. Zubin means an honest man. और मुझे भी अभी 3-4 साल पहले ही पता लगा ये। उससे पहले मुझे लगता था I have a meaningless name. No. Yeah. A parent cannot do. और वो भी इतने potential वाले बच्चे के साथ जो इतना सर्वगुण संपन्न हो, उसका तो नाम हो ही नहीं सकता meaningless. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू हैव सेड कि मायने तो आदमी खुद से बनाता है, जैसे ये भी आई थिंक आप यूथ को सीखने के लिए बात है कि आजकल के बच्चे फोकस नहीं होते। तो देर आर टू क्वालिटीज़ कि एक तो हम सीखते हैं, मतलब आपने मैंने बात की तो उसको सुन लिया और उस टाइम समझ आया, और कुछ लोग होते हैं जो उसको अपने अंदर समा लेते हैं। सो अडेप्ट एंड एब्जॉर्ब, दे आर द टू क्वालिटीज़ एंड यू हैव। I am trying. No, no. I feel that I have nothing. I am just trying every day. I am like all of you. I wake up exactly the way everybody else does, and I am thinking how to make the day beautiful, how to make the best out of my day, how to use my time in the best possible way, how to make that next big song that's going to live in your playlists, जिसके ऊपर लोगों की, जिसके ऊपर लोग यादें बनाएंगे, जिसके ऊपर लोगों की memories जुड़ जाती है। रफ़ी साहब की एक सीरीज़ भी आई थी ना, यादें, तो मुझे लगता है नाउ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ मीनिंगफुल, बिकॉज आपने भी कहा और ऐसा सभी लोगों को पता है कि बीच का जो दौर था ना संगीत का, वो बड़ा ही मतलब वैक्यूम था एक बहुत। एंड आप हो गए, अरिजीत जी हो गए, के यू नो, यू पीपल आर सो सिंपल। मुझे लगता है सिंपलिसिटी से ही ग्रेटनेस है, सिंपलिसिटी से ही ग्रेटनेस आती है। मुझे लगता है जो पेड़ बहुत ज़्यादा लदा हुआ होता है वो उतना ही ज़्यादा झुका हुआ होता है। ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसमान में तो पतंग उड़ती है, बट उसको भी एक तागा है जो ज़मीन से किस तरह जुड़ा हुआ है, वरना तो फिर जिस दिन वो कटा तो आप फिर गई खत्म। देयर इज़ नो वे टू, मतलब इट इज़ मोर लाइक वे ऑफ लाइफ। एक वक्त था जब मैं सीख रहा था संगीत, तो वो एक अजीब सा दौर था म्यूज़िक का। लिरिक्स सडनली कुछ अलग दिशाओं में जाने लग गई थी, लिरिक्स आर्टिस्ट कुछ भी हो रहा था, बट मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं था। मैं उसको भी एज आर्टिस्टिकली
देखता था कि चलो इट्स समबडीज एक्सप्रेशन, अपना नहीं है, किसी और का है। फिर मैंने एक बार एक छोटे से बच्चे को देखा, वो एक गाना गा रहा था, उसने पूरा गाना सुनाया ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको पता नहीं था उसका मतलब कि वो क्या गा रहा है। एंड इट वॉज अ वेरी सैड साइड फॉर मी, इट हर्ट मी इन मैनी वेज, इट दैट विजन इट स्टेड विद मी कि इसको बेचारे को पता भी नहीं है ये गा क्या रहा है, बट ही इज जस्ट गोइंग टू सिंग इट एंड ही सिंगिंग इट विद सो मच हार्ट। अगर उसका भाव देखो तो आप वो दिल से गा रहा है, बट उसको पता नहीं है कि वो शब्द क्या बोल रहा है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि यार लिरिक्स हैव टू बी गुड, इफ दे आर नॉट डीप देन दे आर नॉट फॉर मी, इफ माय ऑडियंस सेज कांट रिलेट टू माय लिरिक्स, तो फिर मैं पूरा पॉइंट ही डिफाई कर देता हूँ संगीत करने का। ये बात मैं शेयर करना चाहूँगी, एंड कोइंसिडेंसली वो जून 9 में ही इवेंट होना था के जी का दिल्ली में, एंड वी वर लाइक क्वाइट इन कॉन्वर्सेशन, बट सच अ एगनी, या मैं कहूँगी शायद ईश्वर ने, अल्टीमेटली तो अपनी लाइफ और डेथ भी एक जर्नी है, यू नो 22 साल का करियर, इतने सारे नॉमिनेशन, जस्ट 2 अवार्ड, बट ये अपना परफॉर्मेंस देते हैं, जाते हैं, फेल्ट रेस्टलेस एंड देन यू नो जस्ट लेफ्ट द वर्ल्ड, आई थिंक उनके गले पे वो हमिंग भी रही होगी। सो व्हाट्स योर, हैव यू एवर मेट हिम? सो केके वाज अ जीनियस, केके एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे, और फिल्मों के लिए तो उन्होंने खैर बहुत गाने गाए, बट वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे, उनके अंदर एक अपना ही रंग था उनकी आवाज़ में। एक फिल्म है जिसमें मुझे पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला, ये मुझे मौका दिया भट्ट साहब ने, के भट्ट साहब आर वेरी वेरी क्लोज, मी भट्ट साहब आर ऑल्सो वेरी क्लोज, सो भट्ट साहब सेड दैट देन यू बोथ शुड ऑल्सो बी वेरी क्लोज, एंड सड़क 2 के लिए हमने एक गाना गाया शुक्रिया। हम रहे आना रहे कल, कल याद आएंगे पल, पल ये है प्यार के पल, चल मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, पल मैं जाए तो हो खुश नसीबी, हम रहे आना रहे याद आएंगे ये पल। Amazing. That's for KK. जो आपका स्वभाव है ना, मुझे लगता है वो भी ऐसा ही है जैसे पहाड़ होते ना, वेरी सिंपल, शांत, इतने ऊंचे पर उतने ही जुड़े हुए। थैंक यू। सो आई थिंक दैट इज हाउ। सो वैसे तो हम सब जानते हैं कि योर टीनेज वाज लाइक क्वाइट अ थिंग, क्वाइट अ स्टोरी, क्वाइट अ स्टोरी। सो फ्रॉम रिबेल टू रियाज, गन टू गिटार, गन मींस ही वाज अ डिस्ट्रिक्ट चैंपियन इन एयर शूटिंग, राइट? मैंने कहा ना कि रिबेल टू रियाज और गन टू गिटार, ये बड़े पैराडॉक्सिकल से हैं। एक चीज जो मैंने अपने बारे में सीखी वो ये था कि मेरा जो वे ऑफ सीइंग थिंग्स है, मतलब मैं कमिट करता नहीं हूँ, बट जब मैं कमिट कर देता हूँ किसी चीज़ को, देन आई गो फॉर इट, देन आई गो टू द टू, आई विल टेक इट टू द लास्ट बिट्स। म्यूजिक अपने आप में, म्यूजिक एक जादू है, मुझे लगता है इज द ओनली फॉर्म ऑफ मैजिक दैट्स लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट। संगीत का जादूगर होना, आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ मैजिक आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ। किसी चीज़ पर दिमाग लगाता हूँ तो उसको अचीव कर लेता हूँ, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस माइंड हो, चाहे वो पॉलिटिकल माइंड हो, जिधर भी जाना चाहूँ जाता है दिमाग। एक बेसिक पर्पस जो एक इंसान का होता है, मुझे लगता है वो ये होता है कि अपनी जो लाइफ आपकी लिखी है उसको खुशी से, सेटिस्फैक्शन से जी सको, और मिसाल बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है। आप हो? कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल बन जाओ और खुशी खुशी लाइफ जियो, तो फिर उसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो संगीत। मुझे लगता है संगीत है जो
जो सब कुछ बांध देता है, इसमें कोई कास्ट नहीं है, इसमें कोई रेस नहीं है, इसमें कोई रिलीजन नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ सेट ऑफ साउंड्स है जो इतनी आसानी से इंसान का मूड बदल देते हैं, इंसान की सोच बदल देते हैं। संगीत क्रांति भी ले आता है, संगीत अमन भी ले आता है। संगीत, जैसे मैंने कहा कि ये इकलौता जादू है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसको आप रियली कह सकते हो कि हाँ यार मैं ऐसे बैठा था और मुझे आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एंड देन सडनली समथिंग प्लेड सेट ऑफ साउंड। आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग। लाइक हम ऐसे बैठे हों तो हम ऐसा नहीं सोच सकते। आपने कभी ऐसा हुआ इन दिनों में कि कोई गाना खुद ही लिखा हो, खुद ही कंपोज किया हो और गाया हो? जी, मैं रिलीज नहीं करा, मैंने रिलीज नहीं करे, बट 6 एल्बम्स लिखी हैं मैंने। और अभी मेरे मैनेजर हैं, बट ही इज एन एल्डर ब्रदर आल्सो टू मी, एंड वी राइट म्यूजिक टुगेदर, वी मेक म्यूजिक टुगेदर। इस नेम इज मिस्टर रॉकी खन्ना। हमने 6 एल्बम्स लिखी थी जिसमें से एक गाना हमने रिलीज करा था, एंड दैट सॉन्ग वाज सुपर हिट। दिस सॉन्ग वाज हमनवा मेरे, व्हिच वाज शॉट इन वेनिस। वो हम लोग के लिए भी ट्रायल था कि देखते अपना म्यूजिक कैसा साउंड करता है। और दैट सॉन्ग डिड सो वेल, इट इज स्टिल अप्रिशिएटेड, वन ऑफ माय कल्ट क्लासिक सॉन्ग्स। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ, आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी न रहा। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। फासले ना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। So nice. आपने एक बहुत खूबसूरत बात भी कही थी अपने एक टॉक में कि जब आपको कहा गया कि आप मुंबई आए हैं और आपका स्ट्रगल टाइम, एंड देन यू सेड डोंट कॉल इट एज अ स्ट्रगल, बिकॉज़ मैं म्यूजिक में तो स्ट्रगल मींस सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। यदि ये बात लोगों को पता लग जाए ना, साइकियाट्रिस्ट की तो दुकान बंद हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, जब यू हैव अनदर ऑप्शन दैट यू कैन बी अ वेरी अमेजिंग साइकियाट्रिस्ट। थैंक यू। एंड एज यू हैव सेड, एक और है, आपने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की, वो हम सब के आइडल हैं। So, and your father is from politics, आपकी mother भी रही हैं जिला पंचायत सदस्य, तो is there any like thought, आप जैसे लोग आए, because बाबुल सुप्रियो हो गए, हंसराज हंस हो गए, मनोज तिवारी, I mean there are so many, आप जैसे लोग सिस्टम में आएंगे तो मैं पॉलिटिक्स, देखिए संगीत की तरफ अगर मैं नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस रास्ते पे हो सकता है जा सकता था, निकल जाता इस पर, और अच्छा भी करता काफ़ी। पर जैसे मैंने बोला ना कि वो हाँ खुशी, मतलब एंड ऑफ द डे अगर मैं खुश नहीं सो पा रहा हूँ ना, अब मैं अगर संगीत करके आके सोता हूँ मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मैं राजनीति करके आके सोऊंगा शायद मुझे नींद ही नहीं आएगी। That reflects on your face. Thank you. Thank you. मतलब such a serene look you have, I'm telling you. To all the girls, music or mother to life hai hi Zubin ki, but what will be your future plans, like getting married? Yes. Main thoda mast maula space mein rehta hu, I'm just moving one day at a time slowly, and is waqt to koi bhi ladki agar mere sath rahegi pareshan ho jayegi ki to flight mein hi jee raha hai, matlab he's literally living on flights. Aapne padha bhi hoga aur us baat ka jawab mujhe aaj din tak nahi mila, aur I think main shayad काफ़ी अब तो सेकेंड इनिंग में आने वाली हूँ तो खोजूंगी भी। बिथोवन
one of the greatest composer. वो सुनने की अपनी क्षमता खो चुके थे और उसके बावजूद उन्होंने जो उनके माइलस्टोन्स हैं सिम्फनी नंबर 9, हाउ कैन समवन बी. नुसरत फतेह अली साहब ने मीरा के भजनों को पाकिस्तान में एक बार ये पॉपुलैरिटी दिखाई कि बेनजीर भुट्टो ने कहा कि यदि आपने ये बंद नहीं किया तो नाउ इट विल बी यू नो वील टेक इट एज देशद्रोह. तो मतलब संगीत का जादू इज एंड यू ब्लेस्ड विद दैट. आई एम स्टिल लर्निंग, आई स्टिल ट्राई. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप संगीत सिखाइए, संगीत के बारे में बताइए. मैं तो कहता हूँ मैं खुद भी सीख रहा हूँ. इट्स सो डीप, इट्स अ होल ओशन टू डाइव इनटू एंड अंडरस्टैंड हर. और हिंदुस्तान तो ऐसी जगह है जहाँ पर हर कुछ किलोमीटर्स के बाद लैंग्वेज बदल जाती है. सो यू हैव चेंज सो मेनी स्कूल्स, तो व्हाट वाज द थ्योरी तुम्हारे छोटे से दिमाग में उस टाइम? क्या था कि तुम खुद ही अपने गुरु हो या गुरु गुरु लोगों को बताना था कि सर जी मैं तो बहुत ऊपर जाना है? सो इवन कॉलेज भी चेंज कर दिए, व्हाई? सो पढ़ाई के साथ पता नहीं रिश्ता नहीं बैठा कभी मेरा. मैं कभी पढ़ता था तो मैं अच्छा स्कोर कर लेता था, बट आई हैड मेरा दिमाग इधर उन सारी चीजों में रहता था, मतलब को-करिकुलर एक्टिविटीज. नहीं, आई थिंक सर बहुत संपन्न हो. नीरज से मैं बड़ा क्लोज हूँ, नीरज चोपड़ा जी, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट. क्या बात. तो मुझे सबसे खूबसूरत बात आज तुमसे मिले हूँ. यू बोथ हैव वेरी गुड लुकिंग, यू बोथ हैव वंडरफुल हेयर्स, यू बोथ हैव ब्यूटीफुल सोल्स इनसाइड आउट. यू नो जो आदमी ना ऊपर पहुँच कर भी इतना जमीन से जुड़ा होता है, उसकी ऊंचाइयां इतनी गहरी होती हैं कि वो आकाश से पाताल तक होते हैं. क्या बात. तो आपके जैसे गुरुजी यहाँ भी रहे, बनारस भी गए, आप साउथ में भी गिटार एंड वेस्टर्न कॉर्ड्स. सो हाउ वाज योर जर्नी, म्यूजिकल जर्नी, आप उसको कैसे? सो मैं एक रियलिटी शो में गया था. दो तीन चीजें हैं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत इंसान की लाइफ में ना ऐसे बहुत छोटे छोटे कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिसके वजह से वो रास्ता बनता चलता है. हाँ, एब्सोल्युटली, इट्स लाइक ब्रेड क्रम्स. सो देयर वाज अ रियलिटी शो व्हिच वेयर आई लर्नड सो मच, एंड देन देयर वाज गोइंग टू बॉम्बे वेयर आई लर्नड अगेन सो मच. वन थिंग इन दिस एंटायर जर्नी, अगर मैं इसको सम अप करके बोलूँ कि आई थिंक जो मैंने स्कूल में प्रिंसिपल्स फॉर्म करे वो ही प्रिंसिपल्स थे जो शायद मुझे आगे लेके गए. अगेन दे वर जस्ट ब्रेड क्रम्स. माई डिसीजंस टू चेंज स्कूल्स, माई डिसीजंस टू डू वट एवर आई डिड, आई मीन इवन फॉर इंस्टेंस यू मैंशन शूटिंग, वी प्लेड शूटिंग नेशनल्स, एंड इट इज नॉट शूटिंग, आई थिंक इट टीचेज यू फोकस, हाउ यू कैन जस्ट लुक एट वन प्लेस. तो हम जैसे मैं जौनसार से बिलोंग करता हूँ, हम लोग के पांडवस जो है हम लोग के पूर्वज हैं बिल्कुल पूरी तरह से. तो अर्जुन की आँख से चीज़ों को देखना एक बहुत ही अलग नज़रिया है चीज़ों को देखने का. उसमें फिर सब कुछ ब्लर हो जाता है, आपको सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है, अभी आपको सिर्फ वो चाहिए. एंड दैट इज़ समथिंग आई लर्न फ्रॉम शूटिंग, दैट्स व्हाट आई टुक फ्रॉम इट. एंड आई गॉट इनटू मिक्स मार्शल आर्ट्स, आई डिड माई ब्लैक बेल्ट. ट्वाइस आई डिड माई ब्लैक बेल्ट. एंड यू वर वेरी गुड एथलीट आल्सो. आई वाज इनटू एथलेटिक्स आल्सो. सो मिक्स मार्शल आर्ट, सब कहते हैं कि संगीत और मारधाड़, मिक्स मार्शल आर्ट इज बेसिकली मारधाड़. सो बट मिक्स मार्शल आर्ट इज डिसिप्लिन, बेसिकली इट इज बॉडी डिसिप्लिन. इट्स बेसिकली योर बॉडी शुड गो एग्जैक्टली वेयर योर माइंड इज गोइंग. इट इज क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन योर बॉडी एंड योर माइंड, एंड इट टीचेज यू डिसिप्लिन, इट टीचेज यू कामनेस. एंड जब इंसान को पता होता है कि उसके एक्शंस का इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करता है अपने एक्शंस के लिए, और ये आपको मिक्स मार्शल आर्ट सिखाता है. दैट इज़ व्हाट आई टुक फ्रॉम मार्शल आर्ट्स, एंड आई पुट ऑल दिस इनटू म्यूजिक, एंड देन आई एम एबल टू डू म्यूजिक. Just trying. Magician and musician, you know, if you mix those words, wow. There is not much difference. All right, now we'll do ekdam quickie thing. So, what's your biggest fear? My biggest fear. पता नहीं यार, हमारे पहाड़ों ने डरना नहीं सिखाया. नहीं, वैसे पहाड़ों में डर लगता है रात को. पहाड़ों में डर नहीं लगता, यू फील दैट? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि रात को कोई पहाड़ों में मुझे कह दे तो
बिकॉज आप नेचर के, आप ऐसा लगते हैं ना भगवान के जितना आप हाइट जा रहे हो, बचपन से हमारे दिमाग में ऐसी कहानियां होती है ना, भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं. सो नो, ऑलराइट, एनी डेयरिंग मोमेंट यू वांना लाइक जस्ट वांट टू अटेम्प्ट और ओके समथिंग. फियर, यू आर आस्किंग, राइट? फियर और डेयर. डेयर लोग ने यार, एक जब स्कूल में था मैं उस वक्त, दैट वाज अ बिग डेयरिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ. आई रिग्रेट इट. आई शुड नॉट हैव डन व्हाट आई डिड. आई बर्न्ड द यूनिफॉर्म ऑफ द होल स्कूल. बिकॉज़ आई कैन इमेजिन कि जब घर पर फोन आया होगा, बिकॉज़ मेरी बेटियां भी देहरादून से ही पूरा इनका स्कूलिंग हुआ है. जी जी जी. सो आई कैन सर्टेनली इमेजिन घर वालों का क्या हुआ, क्या हुआ होगा. उन्होंने, घर वालों ने बोला कि तुमने आग लगा दी ले जाके, मतलब तुम कुछ भी कर सकते थे, खड्डा खोद के दबा देते यार, आग लगाने की जरूरत थी. मतलब दिस लाइक सच अ क्रांतिकारी थिंग दैट यू गाइस डिड. बट द होल स्कूल डिड नॉट एंजॉय द यूनिफॉर्म. पूरे ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमको पसंद नहीं, पूरे स्कूल को ही पसंद नहीं थी. जस्ट द देयर एंड नॉट हैव द गट्स टू, आई नो, तो वो स्वदेशी स्वसोच शायद उस वक्त मैं केसरी चंद जी के बारे में काफी कुछ पढ़ रहा था. हाँ, विवेकानंद के बारे में भी पढ़ते हैं. मीन सच अ वंडरफुल पर्सन यू आर. कितना कुछ सीखने को यूथ के पास है आपसे. तो अभी आप रिसेंटली कोई बुक पढ़ रहे हैं? प्रेजेंटली आई एम रीडिंग दिस, आई कॉल इट अ न्यू एज रिलीजियस बुक. एक देखिए, जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए पढ़ना और समझना बहुत बड़ा गैप है. बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना हमारे यंगर जनरेशन्स के लिए बहुत मुश्किल है. जनरेशन गैप है एक पूरा. हम लोग के लिए रिलेट करना, फिर हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है हमारे जो रिलीजियस ग्रंथ हैं उसको समझना, उसको समझ करके अपनी लाइफ में ढालना. तो जो यंगर वंस हैं उनके लिए तो और बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है उनके लिए. सो एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ के मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक स्पिरिचुअल बुक है, और ये जो यंग जनरेशन्स है ये उनके लिए ये किताब रास्ता बना सकती है एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ. एक एंड दिस इज ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी. दैट्स तो आई थिंक सबने पढ़ी है, जो भी पढ़ने के शौकीन हैं. इस बाय बाय को हम आप ही के गाने से खत्म करेंगे. आपका एक गाना है ना, आराम लेंगे इसी मोड़ पर, जो बाकी है वो बात, जो बाकी है वो बात होगी. दोबारा तो क्या, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी. चलो आज चलते हैं, मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी. थैंक यू, थैंक यू सो मच. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ सोल टू सोल, एंड यू आर वॉचिंग मी जुबिन नौटियाल विद द सुनैना जी, एंड दिस इज हर फर्स्ट म्यूजिकल इंटरव्यू, एंड इट वॉज अ प्लेजर बींग हियर ऑन द शो, एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप लिसनिंग सोल टू सोल. थैंक यू, और धन्यवाद आप सभी का. इसी तरह से हमारा ये सफ़र चलता रहेगा, और जैसे हम आज मिले हैं ऐसे ही आपसे जल्दी मिलेंगे. तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें. नमस्कार.